आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था उससे आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा जो है टॉपिक वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब है डायरेक्ट अपन नॉर्मल भाषा में अपन बात करें तो कंजर्वेशन का मतलब है जितनी एनर्जी है कोई सी भी एनर्जी हो, अभी हम मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि जितनी एनर्जी होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, कभी भी मतलब खत्म नहीं होती, कोई सी भी एनर्जी खत्म नहीं होती, वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हम भागते हैं, सॉरी पहले तो अपन क्या करते हैं, मॉर्निंग में उठते ही खाना खाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिल जाए। अब वो एनर्जी क्या होती है, हमारे शरीर में एक मेटाबॉलिज्म के द्वारा हमें शरीर को ऊर्जा देती है खाने वाली एनर्जी, तो फूड में जो एनर्जी होती है वो हमें मिलती है। और हम क्या करते हैं, कार्य करते हैं या दौड़ भाग करते हैं तो वो एनर्जी हमारे हीट के रूप में बाहर निकल जाती है, और वो एनर्जी हीट के रूप में बाहर निकल के या तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है या हीट एनर्जी में फर्दर दूसरी एनर्जी और होती है उनमें वो जाके मिल जाती है। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है कि यहाँ मैंने कुछ एनर्जी दी फिर दूसरी जगह एनर्जी चली गई, ऐसे मैकेनिकल एनर्जी और जो हीट एनर्जी है वो साइकिल की तरह चलती रहती है, तो ये एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो इसी बेस पे काम करता है। तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से बाय सेकंड लॉ हमने देखा था एफ जो होता है वो पी टू माइनस पी वन होता है, मतलब चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अगर हम फोर्स को जीरो कर दें, अगर फोर्स जीरो हो जाए हियर एफ इज इक्वल टू जीरो देन पी टू माइनस पी वन अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो, ये इधर चला गया तो पी टू माइनस पी वन इज इक्वल टू जीरो या पी टू बराबर पी वन। ये एक अगर हमारा फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसे एक डेफिनेशन निकल के आ रही है वो हम लिख लेते हैं, फिर फर्दर हम जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो देखेंगे। ठीक है, यहां तक होने के बाद आप डेफिनेशन लिखेंगे if the total resultant force acting on a system is zero then momentum
ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद टाइम इसको हम एक एग्जांपल की तरफ समझेंगे ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अगर मान लो क्वेश्चन आ भी जावे तो आपको पहले ये डेफिनेशन लिखनी है इसके बाद इसको फर्दर हम एक एग्जांपल से समझेंगे We will clear it by example. तो मोमेंटम का जो ये टॉपिक है इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे और वो एग्जाम्पल आपकी बुक में क्वेश्चन के रूप में भी है तो आपको याद रखना है जैसे अगर एक दो कोई बोल है एक को नाम ए दे दिया एक को बी दे दिया ठीक है दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है ठीक है दोनों की इनिशियल वेलोसिटी जो है यू वन यू टू है कोई भी वेलोसिटी अगर इनिशियल में ले रहे हैं तो उसको हमेशा U1 और U2 के रूप में ही लेते हैं जो फाइनल वेलोसिटी आती है उसको V1 और V2 के रूप में लेते हैं ठीक है ये हमें याद रखना है अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है दोनों ये जो हमने कोई भी बॉडीज या पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट लिया है वो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ठीक है इसको हम देंगे बिफोर कोलिजन ठीक है बिफोर कोलिजन मतलब कोलिजन से पहले की बात है अब जब कोलिजन हो रहा है कोलिजन जैसे दोनों एक दूसरे से कहीं टाइम टी के बाद दोनों एक दूसरे से टकराए टकराने पे क्या हुआ जब इसका जो फोर्स है वो इसकी तरफ लगेगा और इसका फोर्स जो है इसकी तरफ लगेगा ठीक है ये ए और बी बोल है F1 F2 लग गया ठीक है कोलिजन होने के बाद जब दोनों कोई चीजें टकराती है तो इसका फोर्स इस पे लग जाता है इसका फोर्स इस पे लग जाता है तो दोनों अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती है ठीक है या जिसकी स्पीड ज्यादा होती है उसी डायरेक्शन में वो चली जाती है और वो जो जिसकी डायरेक्शन स्पीड कम होती है वो वही रुक जाती है ऐसा भी सिचुएशन आती है तो हम इसी सिचुएशन को काम में लेंगे ठीक है V1 V2 आफ्टर कोलिजन की बात या यहां पे आप नाम देंगे कोलिजन ऑफ टू बॉल्स ठीक है ये नाम से हम इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ इतना होने के बाद पता हम ये बात खोल ले रहे हैं यहाँ पे rate of change of momentum of ball A, ball A की बात हो रही है तो rate of change होता है m1 V1 माइनस V2 अपॉन 2 बाकी सेकंड वाली बोल रहा है सिमिलरली बोल बी के लिए वही हुआ मास है m2 v2 माइनस u2 अपॉन t ठीक है by third law कौन सा था एक्शन रिएक्शन वाले याद रखना force imposed by a to b वो बराबर होगा फोर्स इंपोज बाय बी टू ए ठीक है मतलब m1 फोर्स जो होता है फोर्स तो हम जानते हैं ये तो होता है फोर्स m1 b1 u1 अपॉन टी बराबर ये तो इस तरफ लग रहा है ये इस तरफ नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव साइन आएगा m2 v2 u2 अपॉन टी ठीक है ये t से t कैंसिल हो जाएगा m1 b1 u1 माइनस m2 v2 u2 ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे ये सॉल्व करते हैं इसको अब सेपरेट करेंगे तो m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 प्लस m2 ठीक है इस तरह से इसको हमने सेपरेट कर दिया अब माइनस माइनस वाला वो इधर ले लो प्लस प्लस वाला वो इधर ले लो यहाँ तो और एक बात भी हम फर्दर अगले स्टेप चलते हैं यहाँ तक आपको याद रखना है ये भी मैंने इसको बताया नहीं अभी माइनस माइनस वाले तो एक तरफ प्लस प्लस वालों में एक तरफ m1 v1 प्लस m2
यूट्यूब बराबर सॉरी माइनस इसके साथ है वी टू ठीक है और अंदर हो जाएगा एम वन यू वन प्लस एम टू यू। ये इक्वेशन जो क्या कह रही है ये दे रही है मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन वो है मोमेंटम बिफोर कॉलिजन ठीक है दोनों बराबर हो जाएंगे बस ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है हमें यही तो याद रखना था ठीक है। तो ओवरऑल हमें कौन से याद रखना है मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन आ जाए तो यहां तक ये अपने को करना है ठीक है। आगे एक लाइन लिखनी है इसको मिटा देता हूँ Here we see that the total momentum of two bodies चेंज मतलब पहले जो मोमेंटम था वो बाद के मोमेंटम के बराबर रहेगा ठीक है अनचेंज रहेगा कहने का मतलब आपकी जो एनर्जी है वो किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी ऐसे कन्वर्ट होती रहेगी लेकिन वो कंजर्वेशन जो भी आपकी एनर्जी होगी वो कभी भी खत्म नहीं होगी वो मोमेंटम जो है रिमेन्स अनचेंज। यहाँ तक आपको ये याद रखना है अब अपना हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होता है ठीक है जो किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने का काम करता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। नॉर्मल भाषा में कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होता है जो हमारे मूविंग बॉडीज हैं या मूविंग पार्टिकल है उनको रोकने का काम करता है ठीक है। साइकिल चला रहे हैं पेडल मार दिए अब रुक गए साइकिल चल रही है लेकिन चलते चलते उसकी स्पीड तो कम हो रही है ना कंटिन्यू वो स्पीड तो नहीं ले रही क्यों नहीं ले रही क्योंकि अपोजिट साइड में एक फोर्स लग रहा होता है उसको उसकी धीरे 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 उसकी स्पीड को कम करता है तो इस फोर्स को हमने फ्रिक्शन नाम दिया है ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं थोड़ा मोमेंटम तो कंजर्वेशन मोमेंटम था ये आपके क्वेश्चन भी है आपको याद रखना है। फ्रिक्शन तो फ्रिक्शन फोर्स द फोर्स व्हिच द फोर्स
रिजेक्टिंग इन द अपोजिट direction of motion. ठीक है, होल्ड. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय smoothing the surface. But it cannot be zero. हम फ्रिक्शन फोर्स को स्मूथ सरफेस करके कम कर सकते हैं. हमारे सरफेस अगर देखा होगा आपने, अगर पानी सॉरी अगर सरफ का पानी अपन सरफेस पे गिरा दे तो फिसलने वाली सिचुएशन हो जाती है, लेकिन हम फिसलते नहीं है, मतलब उसको जीरो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को. ठीक है, कभी देखा होगा बाइक जो है रोड पे चल रही होती, पानी होता है सड़क पे, तो अचानक ब्रेक लगाने वो फिसल जाती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो गया. तो फ्रिक्शन हमारे लिए ज़रूरी भी है और कहीं कहीं भी वो हमारे लिए मतलब डिसएडवांटेज का काम भी करता है. तो दोनों काम इससे होते हैं, तो ये ज़रूरी भी है हमारे लिए. फ्रिक्शन also act on the bodies moving in the air. ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि का जो टॉपिक है उस पर आपको डेफिनेशन वगैरह फर्स्ट डेफिनेशन होगी, उसके बाद फ्रिक्शन के बारे में हम थोड़ा बहुत देखा है. इसके बाद अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फर्स्ट जो टाइप है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन. सेकंड जो है वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ले लो. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइड मतलब स्लाइडिंग होता है या फिर इसके नीचे कुछ रख दो ये स्लाइड करेगा. ठीक है, लास्ट है
रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, हम इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक का आपका टॉपिक जो है आपको देखना है, और प्रीवियस जो भी है वो आपको रिकॉल करना है। और तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे होम, बी सेफ, ठीक है। और गर्मियों का मौसम है तो आप अपना ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, ठीक है। थैंक यू।